उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मुरादाबाद में प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना करने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव अंगूठा छाप है। ओवैसी इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने कहा कि अखिलेश रट्टू तोते की तरह जो लिख कर दे दे बस वही बोल देते हैं। इसी के साथ ओवैसी ने अखिलेश को इतिहास पढ़ने की नसीहत भी दे डाली। गौरतलब है कि यूपी चुनाव में जिन्ना पर सपा प्रमुख द्वारा शुरू की गई बहस अब थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करते हुए कहा था कि जिन्ना ने भारत की आजादी में योगदान दिया है। इस दौरान अखिलेश ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्थान में पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और भारत की आजादी के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। तो ऐसे में एक बार फिर आपको बता दें, ये जिन्ना के बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है। अखिलेश यादव की तरफ से 31 अक्टूबर को जिन्ना को लेकर बयान दिया गया था, उन्होंने अपने बयान में जिन्ना की तारीफ की थी और साथ ही आपको बता दें भारत की आजादी में उन्होंने जिन्ना का योगदान बताया था, जिस पर सियासी बवाल लगातार मचा हुआ है। अब एक बार फिर से ओवैसी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आपको बता दें कहा अखिलेश यादव को कि वो अंगूठा छाप है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि अखिलेश यादव रट्टू तोता है, जो लिख कर उन्हें दे दिया जाता है बस वही वो पढ़ देते हैं। मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिन्ना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे। अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन दिन से बैरिस्टरी करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिन्ना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है। चलिए, मोहम्मद हाजी अब्बास सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हाजी अब्बास, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। अब्बास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार जी। अब्बास जी, जिस तरह से जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया था उस पर अब लगातार पलटवार किया जा रहा है। अब ओवैसी ने साफ तौर पर अखिलेश यादव को अंगूठा छाप बता दिया है। देखिए, एडवोकेट मोहम्मद अब्बास बोल रहा हूँ मैं जी। और कितने बड़े बैरिस्टर हैं, कल हो के मुझसे बहस कर लें, कानून में कर लें, मैं तो छोटा सिपाही हूँ समाजवादी पार्टी का। और अखिलेश यादव जी ने ऑस्ट्रेलिया के पढ़ना इंजीनियरिंग की डिग्री है जी। और जितना अखिलेश यादव की पढ़ाई लिखाई कैसी होती है, अखिलेश यादव जी की शिक्षा क्या है, वो लखनऊ एक्सप्रेस से बताता है, वो लखनऊ मेट्रो बताती है, उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास बताता है कि ज्ञान और शिक्षा अखिलेश यादव जी में प्रचंड रूप से कूट कूट कर भरी हुई है जी। लेकिन एक बैरिस्टर जिन्ना थे जो मुसलमानों को अलग करने के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, ये दूसरे तथा कथित बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुसलमानों को अलग थलग करके और हिंदुओं के सामने खड़ा करना चाहते हैं। ना हमने, हमारे बाप दादाओं ने पहले उस बैरिस्टर को पसंद किया था और हमने अपने हिस्से का वोट कांग्रेस के पक्ष में डालकर जिन्ना की मुस्लिम लीग को नकारा था। यही काम बैरिस्टर भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर नहीं, ठीक है अब्बास जी, अब्बास जी, जो अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर बयान दिया था, क्या वो सही कह रहे हैं आप कि उन्होंने सही बात बोली थी, उसमें कुछ गलत नहीं था? मैं कहूँ कि बैरिस्टर थे जिन्ना तो इसी को मना कर देगा, पटेल जिन्ना बैरिस्टर से मना कर देगा, नेहरू जी यही तो कहा, और कौन सी तारीफ करती, और कौन सी तारीफ करती? अगर
जब कोई कथा पढ़ी जाती है तो राम का भी नाम लिया जाता है, रावण का भी नाम लिया जाता। नहीं ठीक है, ठीक है अब्बास जी, तारीफ आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा भारत की आजादी में योगदान जिन्ना का रहा, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? भाई जो उस वक्त लड़ रहे थे, अंग्रेज भी लड़े जिन्होंने भारतीयों का साथ दिया, आजाद हिंद फौज में और बाहर के भी लोग लड़ रहे थे, रंगून के भी लड़ रहे, बर्मा के भी लड़ रहे थे, जो जो उन्होंने हमारे साथ दिया उसका उस काम के लिए स्वागत किया, यानी कि अब्बास जी खिलाफ काम किया। अब्बास जी यानी कि अभी भी आप लोगों को शायद यही लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा वो एकदम सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके बयान के साथ खड़ा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो हमारे लिए आदेश है, लेकिन बयान नहीं, कोई तारीफ नहीं की, कोई समर्थन नहीं करा। अगर आज कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम लिखवाए जाएंगे तो क्या किसी का कहीं से नाम हटा दिया जाएगा? वो उस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही, बात परिप्रेक्ष्य नहीं, जिसने जिस इंसान ने बंटवारा करवा दिया उसको आप एक योद्धा से जो है कंपेयर कर रहे हैं, आप उसका योगदान बता रहे हैं आजादी में? हम देखिए उसे उसको सजदा करने भारतीय जनता पार्टी जी के अजवानी गए थे, उसके बाजार पे हम नहीं गए, उनसे पूछे अडवाणी जी से वो क्या है, भारतीय जनता पार्टी बताए क्या मानती वो? नहीं ठीक है, अभी अभी अब्बास जी अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ करा वो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जो बात हो रही है फिर बार बार क्यों देखिए नसीहत दी जाती है कि क्या अखिलेश यादव ने इतिहास नहीं पढ़ा? ओवैसी ने भी ये कहा है कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मुझे बताइए ओवैसी कौन है, जिन्ना कौन है? हम उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश का विनाश हो रहा है, बाबा जी ने बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश के लोग निर्णय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को कैसे हटाए, उत्तर प्रदेश का किसान तय करेगा कि जो तीनों किसी काले कानून है और योगी सरकार उस पर बाधा बननी है, उस योगी सरकार को किसान हटाएगा। ठीक है अब्बास जी ठीक है, वो आप बात सही कर रहे हैं कि वो जनता तय करेगी, किसान तय करेगा, लेकिन आपको नहीं लगता? बहुत साफ सुनिश्चित, बार बार जिन्ना को मसले को उठाने वाले, चाहे वो ओवैसी हो या कोई चैनल हो, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने का काम कर रहे हैं। मसला उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कैदियों को जिस तरह से हिरासत में लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से अभिषेक गुप्ता मारा गया, जिस तरह से तिवारी को लखनऊ में ठोक गया, जिस तरह से हाथ नहीं तो ठीक है अब्बास जी ठीक है ना, उन मुद्दों पर बात कीजिए, आप उन मुद्दों पर आवाज उठाइए, लेकिन चुनाव के बीच में जिन्ना को लाने की क्या जरूरत है? नहीं आप ये बात बता दीजिए अब्बास जी एक छोटी सी बात बता दीजिए कि क्या अभी चुनाव से पहले जिन्ना को चुनाव में लाने की जरूरत थी? कानून है, ठीक है कायदे कानून है, आप अब्बास जी बलात्कार है, बेरोजगारी है, ठीक है, ये है मुद्दे, ठीक है, ये मुद्दे हैं अब्बास जी, ये मुद्दे हैं, मैं मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ खुद ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, सब कुछ है, मुद्दे जो आपने कहा है, लेकिन फिर आपको जब पता है कि मुद्दे ये हैं तो इन्हीं पे बात करनी ज्यादा सही है ना, जिन्ना को लाने की क्या जरूरत है? इतिहास के पन्नों का नाम उसका चुनाव से क्या मतलब भाई? पूरे विश्व की परिचर्चा करोगे तो पूरे विश्व का चक्र उसे उठा के जीना क्यों चुनाव में जीना याद आता है? तो ये तो आप पूछिए ना, अखिलेश यादव को क्यों जिन्ना याद आ गया चुनाव में, आप ये तो आप बताइए, ये तो आप बताइए। हमने इतिहास को बताया, हमारा मुद्दा किसानों को जो रोंदने का है, हमारे मुद्दे हुआ है किसानों, भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली चला देते हैं, उसको चर्चा किसी चीज पे चर्चा होनी नहीं चाहिए, आपको टॉपिक ही नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए अब्बास जी हमारे चैनल में हर मुद्दे पर चर्चा होती है, जो जनता से जुड़ा मुद्दा होता है हम हर उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव कुछ इस तरह का बयान देंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे और उस पर भी सवाल पूछेंगे। साउथ इंडिया से एक भारतीय जनता पार्टी का दलाल ओवैसी आता है, वो दलाल आके सौदा करता है और योगी के आमने सामने क्या मत, योगी का और ओवैसी क्या मुकाबला, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू मुसलमान करने के लिए वो से चैलेंज दे रहा, वो से चैलेंज नहीं तो हिंदू मुसलमान तो आप ही लोग करते हैं ना, हिंदू मुसलमान तो आप ही लोग करते हैं, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं। मुसलमानों से ओवैसी का कोई लेना देना नहीं है, ये दलाल है, भाजपा के एजेंट है, दलाल है, भाजपा के दलाल है, इनके कारोबार की जांच होनी चाहिए, जो भाजपा नहीं कराएगी कैसे हजारों करोड़ में खेल रहे हैं भैया, आजम खान पे 100 मुकदमों नहीं, ठीक है आप अभी कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि जो अखिलेश यादव ने कहा वो गलत था? अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
किसानों के प्रति चिंतित है, अखिलेश यादव जी थानों में हिरासत के लिए चिंतित है, जो मौत हो रही है, ठीक है ना। अगर चिंतित है तो उन्हीं मुद्दों पर बात कीजिए, उन्हीं मुद्दों पर बात कीजिए। जिन्ना पर क्यों बात कर रहे हैं, जिन्ना को लाने की क्या जरूरत है, उन्हीं मुद्दों पर बात कीजिए ना। अगर चिंतित है घुमाया जा रहा है, कहाँ से जिन्ना आ गए भाई? आपको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना की पट्टी उलाज नजर नहीं आती मेरी बहन? आपको थानों मारे गए लोग नजर नहीं आते? बेटियों का हुआ बलात्कार नहीं नजर आता? हमें सब नजर आता है अब्बास जी, हमें सब नजर आता है, हम सब मुद्दे उठाते हैं। ऐसा नहीं, अगर आज आपसे सवाल हो रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए आपके दूसरी पार्टियों से या फिर बीजेपी से हम सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते, हम सवाल सबसे करते हैं, सब मुद्दे उठाते हैं। कासगंज में जो कल कुछ हुआ, कल भी हमने पूरी तरह से मुद्दा उठाया और सत्ता से ही सवाल पूछे कि आखिर हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपसे ही सवाल किए जाते हैं, सत्ता पक्ष से नहीं किए जाते। मेरी बहन, मसला योगी आदित्यनाथ की ठोको सरकार, जो पुल और बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लोगों को रौंद रहा है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, किसानों को रौंदा जा रहा है, इन सब के खिलाफ अखिलेश यादव जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। परिवर्तन होगा 2022 में, पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है अब्बास जी, ठीक है, परिवर्तन होगा, ये वक्त तो बताएगा। 2022 अब बहुत दूर नहीं है, ये देख लेंगे कि परिवर्तन होगा या फिर क्या कुछ होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से जिन्ना पर दिए गए बयान पर अभी भी सियासी घमासान मचा हुआ है, सियासी बवाल जो है वो मचा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिन्ना को लेकर बयान जो अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था, ओवैसी ने उस पर एक बार फिर से पलटवार किया है। ओवैसी ने अखिलेश यादव को अंगूठा छाप तक कह दिया, हालांकि अंगूठा छाप ही नहीं, उन्होंने रट्टू तोता तक अखिलेश यादव को बता दिया है।